देख रहे हैं जीने 7। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां गाजीपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से फल फूल रहे झोला छाप डॉक्टर और अवैध हॉस्पिटल। खबर गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र से है, जहां चौराहे के समीप पूर्णिमा हॉस्पिटल, जिसके संचालक व प्रबंधक डॉक्टर दीपक कुमार हैं। सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर दीपक ने जनपद में अपना कई ब्रांच खोल रखा है, जिनकी योग्यता ना के बराबर है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग न जाने क्यों इन पर मेहरबान है। इसके अलावा जनपद के दिलदार नगर क्षेत्र में शिवम, अंगद, सृष्टि, मुस्कान, जबकि सादात क्षेत्र में शांति प्रिया महादेव हॉस्पिटल और मोहम्मदाबाद में शिव शक्ति बाबा सिटी साई सर्जिकल सेंटर तथा देवकली के नंदगंज कस्बे में नंदिनी सहित तमाम हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग के बाबुओं की वजह से मानक पूरा नहीं होने के बावजूद पैसे के दम पर इनका पंजीकरण हो जाता है और विभाग की मिली भगत से यह गोरख धंधा जनपद में खूब फल फूल रहा है। आखिर कब चलेगा अवैध हॉस्पिटलों व डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग का हंटर? आइए जानते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरगोविंद सिंह से खास रिपोर्ट। काफी झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई, सर उसको लेके क्या कहेंगे और क्या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर के वर्मा ICMO नामित हैं, जो कि झोला छाप देखते हैं। समय समय पर शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया जाता है उनके द्वारा, उनके टीम द्वारा। इसके अलावा हमने जो पंजीकृत चिकित्सालय हैं और जो लैब हैं और उनकी सूचना DM और SP को भी दी है और उनसे आग्रह की, और इवन FDM साहब तक को दी है और उनसे आग्रह किया, इनके अलावा जो भी संचालित हो रहे हैं वो नियमानुसार पंजीकृत नहीं है, अतः उनके विरुद्ध कार्रवाई की।